अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान मलाइका तहरीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौथम जौहर टाउन रमज़ान रेसिपी। आज हमारे साथ बड़ी एक्सपीरियंस शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ हिबा अहसन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो आज आप हमारे साथ कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं? आज हम एक बेक्ड डिश बना रहे हैं जिसका नाम है बेक्ड पोटैटो एंड स्पेगेटी कैसेरोल। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें? इसमें हम यूज़ करेंगे मैश्ड पोटैटोस, ओके, मारियोज़ की स्पेगेटी, चिकन मिंस, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट, ब्राउन शुगर एंड अनियन एंड गार्लिक। और ये जो टोमेटो प्यूरी है ये आपने कैसे बनाई? ये 4 टोमेटोज लेके बस सिंपली ब्लेंड किया, जस्ट सिंपली आपने ब्लेंड कर, ओके, इसमें कोई स्पाइसेस कुछ नहीं ऐड किया। और ये मारियो स्पेगेटी में कौन कौन? मारियो स्पेगेटी में हमने बॉईल करके इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून, पेपर 1 टीस्पून, ओरिगानो और ऑलिव ऑयल डाल के मिक्स कर दिया था। ऑलिव ऑयल हमने इसलिए डाला था कि वो स्टिक ना करे आपस में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मैश पोटैटोस से। तो मैश पोटैटोस में स्पाइसेस जा रही हैं जी, हम इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट है। और हम इसमें ऐड करेंगे एडम्स का मिल्क। ओके, एडम्स का मिल्क है, कितना मिल्क आपने डाला? हमने इसमें डाला है 1/4 कप, okay. 1/4 कप मिल्क और 4 टेबल स्पून एडम्स का सॉल्टेड बटर। ओके, तो बटर में आपने जस्ट सिंपल बटर आपने सिंपल बटर बस इसको मेल्ट कर लिया। ओके, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये बहुत क्रीमी सा बिल्कुल स्मूथ मैश है, और मिल्क और बटर ऐड करने से उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी हो गई। तो पोटैटोस में कोई चंक्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल प्यूरी टाइप होना चाहिए। इसको हमने क्या किया था, बॉईल करके सीव के थ्रू मैश किया था, ओके, नॉट जस्ट विद अ मैशर बट सीव के थ्रू पास किया था, और उससे बिल्कुल स्मूथ आपका मैश आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चिकन मिंस को कुक करेंगे। ठीक, इसको अब हम मतलब कि किस तरह से कुक करेंगे, डीप फ्राई करेंगे? नहीं, इसको बस हम लाइट सा पैन में सौते करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइट से सौते करने से हम अराउंड 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तो हम ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, घी वगैरह तो नहीं ना? नहीं, घी नहीं, उसका थोड़ा शार्प फ्लेवर होता है, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें या कोई भी वेजिटेबल बेस्ड ऑयल यूज़ कर लें। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे फाइन चॉप्ड गार्लिक। ओके, और ये है हमारे पास 2 cloves ऑफ गार्लिक। गार्लिक फाइन चॉप कर लिया था, इसको थोड़ा सिजल करने देंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करने ताकि वो अच्छी तरह से अपना फ्लेवर इनहेंस करे। एग्जैक्टली, अब वो थोड़ा सिजल कर रहा है तो हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। हमने लिया है 1 small onion। ओके, इसको अच्छे से कुक करके लाइट ब्राउन सा, देन इसके अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो हम ऐड करेंगे। ओके, तो ये हम बेक करेंगे एंड पे? जी, ये बेक करेंगे। ये एक इटालियन डिश है, तो इसलिए हम इसमें मोस्टली इटालियन फ्लेवर्स और स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं। अब ये हो गया है लाइट गोल्डन, तो अब हम इसमें हम चिकन मिंस ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास है 500 grams। ओके, तो थोड़ा इसको भी लाइट ब्राउन करेंगे, इसको हम फुल कुक करेंगे। ओके, ये जैसे ही कुक हो जाएगा फिर हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे। चिकन हमारा कुक हो गया था तो अब हमने इसमें डाल दिया है टोमेटो प्यूरी। ओके, अब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तो अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो टोमेटो पेस्ट है हमारे पास 1.5 tablespoons। ओके, टोमेटो पेस्ट जो है ये तो वैसे रेगुलर भी मिल जाती है, बट जो होम जी होममेड जो होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। आप ट्राई किया करें कि नई नई चीज़ें आप यूज़ करें, घर पे बनाएं, खुद ही बनाएं, सो दैट वाज द बेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस, सॉल्ट हम ऐड करेंगे 1 teaspoon। इसके अंदर हम वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेल पेपर, कैप्सिकम। बेल पेपर आप यूज़ कर लें, आप क्रोकेट्स यूज़ कर लें, कैरेट्स यूज़ कर लें, और ओरेगानो हम डाल दें 1 teaspoon। ओके, और हम लेंगे ब्लैक पेपर 1 teaspoon। ओके, तो ये हमारी स्पाइसेस ऐड हो गई, स्पाइसेस हमने ऐड कर दी, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 tablespoon ब्राउन शुगर। ओके, ब्राउन शुगर मतलब कि क्यों हम इसके अंदर? हम ब्राउन शुगर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि टोमेटो उसका टेस्ट होता है सावर, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने ब्राउन शुगर ऐड किया। ओके, अब हम इसको लाइट फ्लेम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, ये हमारे पास इधर है कैसरोल डिश, आपने इसके लिए कोई भी ओवन सेफ डिश ले लेनी है जो थोड़ी डीप हो। सबसे पहले हम इसमें पोटैटोस की लेयर लगाएंगे। वाओ, ये तो बहुत यूनिक रेसिपी है।
अब हम इसमें स्पेगेटी की लेयर लगाएंगे। हमने मारियोस की स्पेगेटी यूज़ की। अच्छा exactly. इसमें आपने जो स्पेगेटी के अंदर स्पाइसेस यूज़ किए हैं दोबारा बता दें कौन कौन से। हमने इसमें ऐड किया था सॉल्ट, ओके, पेपर, ऑरेगानो और ऑलिव ऑयल। ओके, लाइट सी, जस्ट लाइट सी हमने जो स्पाइसेस हैं exactly. वो यूज़ किए हैं। ओके, अब हम इसमें टॉप पे मिंट्स की लेयर देंगे। जो ये जो हमने कुक किया है मटेरियल, अब इसकी हम लेयर लगा रहे हैं। और अब हम इसको टॉप करेंगे एडम्स की चीज़ से। वाओ, ये चेडर और मोज़रेला दोनों है। और चेडर और मोज़रेला का मिक्स है, 70% मोज़रेला और 30% चेडर। ओके, लाइट सी ऑरेगानो हमने ऊपर स्प्रेड किए क्योंकि पहले ही जो स्पेगेटीज हैं उसके अंदर हैं। एग्जैक्टली, अब हम इसको रख देंगे ओवन में, बेक करेंगे इसको। ये हमारा कैसरोल है रेडी। वाओ, ये ऊपर जो हमारे ऑलिव्स हैं एंड चीज़ है, ऑरेगानो, अब हम इसको देखिए लाइट ब्राउन सा कलर आ गया साइडों पे, तो ये अब हमें निकाल के डिश आउट भी करके थोड़ा सा दिखाएंगे। exactly. हम okay. करेंगे कट। देखिए कितनी स्ट्रिंगी चीज़ wow. है, लोडेड चीज़, ये वो चीज़ है जिसे कहते हैं लोडेड। तो ये होगी हमारी, वाओ, अमेजिंग। और ये हमारा कैसरोल है बिल्कुल रेडी। ओके, ज़रा हमें इस रेसिपी का नेम भी रिपीट कर दें और इसकी रेसिपी भी रिपीट कर दें। तो आज हमने बनाया है बेक्ड पोटैटो एंड स्पेगेटी कैसरोल। सबसे पहले हमने मैश पोटैटोज़ में मिल्क, बटर और सॉल्ट ऐड कर लिया था, उसको बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी कर लिया था। नेक्स्ट हमने बॉयल्ड स्पेगेटी में सॉल्ट, पेपर और ऑरेगानो ऐड करके और ऑलिव ऑयल ऐड करके उसको टॉस कर लिया था। फिर चिकन मिंस के लिए सबसे पहले हमने ऑयल में गार्लिक और अनियन को सॉटे किया, उसके अंदर हमने फिर चिकन मिंस ऐड कर दिया। उस वो जब कुक हो गया उसमें हमने डाल दिए 4 ब्लेंडेड टोमेटोज, 1.5 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो पेस्ट, सॉल्ट, ऑरेगानो, पेपर और ब्राउन शुगर, 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, उसको हमने अच्छी तरह कुक करके सबसे बॉटम में हमने लगा ली पोटैटो की लेयर, उसके बाद हमने स्पेगेटीज की लेयर लगा ली और टॉप पे हमने चिकन मिंस की लेयर लगा के उस पर एडम्स की चीज़ टॉप करके बेक कर लिया। वाओ, ये तो बहुत अच्छी रेसिपी बन गई। तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को दोबारा ये रिपीट आउट कर दें रेसिपी का नेम। रेसिपी का नाम है बेक्ड पोटैटो एंड स्पेगेटी कैसरोल और ये एक इटालियन डिश है। तो ये हमारी होगी आज की रेसिपी रेडी। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी मलाइका तरीम होस्ट को दीजिए इजाज़त ताकि वो आपके लिए लेके आए एक और नई डिश। तो अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़ जिंदाबाद।